कॉन्टेस्ट किया था, आप में से कुछ स्कूलों के बच्चों ने उनमें पार्टिसिपेट भी किया था। बिग आइडिया कॉन्टेस्ट लास्ट ईयर हमने एक मॉडल साइंस एग्जीबिशन किया था, जिसमें 12th के बच्चों ने और 10th से लेकर 12th तक के बच्चों ने मॉडल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे। एक परसेंटेज के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं ये सब होना। अभी जी मेरी बात समझ गए, इसलिए पहले मुझे बोलने का अवसर स्वामी जी के आशीर्वाद से मिला है कि वहाँ एक भावांजलि सभा हो रही है सत्री में। वो छेवेंसन है कि 99% और 99 से भी ऊपर जब वो जा रहे हैं और तब कोई अच्छी इंस्टीट्यूट उनको आगे जाके मिल पा रही है। ये अब वो हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, तो 60% आ जाते थे तो बड़ा सम्मान और बड़ा ये समझा जाता था कि 60% आ गए तो बहुत नंबर आ गए। तो मैंने पॉलिटिसाइज सब्जेक्ट में MSc किया है, BSc बायोलॉजी में किया है और PhD मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है। और जीवाजी इस कार्यक्रम में जब हमें संत जी मिल गए तो संत जी अगर किसी प्रोग्राम में आ जाए, किसी कार्यक्रम में आ जाए तो उसकी पवित्रता बहुत बढ़ जाती है। और संतों का जब आगमन हो जाता है तो बाकी सब चीजें बहुत छोटी और गौर हो जाती है। तो हम लोगों को तो उनके साथ में बैठने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि वो संत है। हम लोग अगर मैं अपने बारे में स्वयं बताऊं तो एग्जाम से मेरे को हमेशा डर रहा है, एग्जामोफोबिया कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को कि मैं उसके लिए बना ही नहीं हूँ। मैं एकांत में जाने के लिए बना हूँ, मैं जंगलों में जाने के लिए बना हूँ। तो ये मेरी अवधारणा थी। तो ऐसा आवश्यक नहीं जो आपकी अवधारणा हो वह सत्य ही हो, मगर गुरु उसकी परख करते हैं। बहुत मैं पढ़ता था, महाराज जी के बारे में बहुत सुना था, लेकिन अभी तक मुझे महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए थे। तो कॉलेज प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद के उनके कारण मुझे माता जी महाराज जी के दर्शन हो पाए और उनका जो है मुझे वो मिल पाए। बहुत सारे बच्चे हैं, सबको सम्मानित होना है, मैं बिल्कुल ज्यादा समय नहीं ला, 5-6 साल क्लियर। अच्छा, ऐसे कंपटीशन के चक्कर में पढ़कर या किसी पढ़ाई के अनावश्यक दबाव में परसेंटेज के खेल में आकर आप कोई भी गलत निर्णय नहीं लेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भविष्य में आपके माँ बाप को दुख हो। सहमत है, प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे? कोई भी गलत कदम कोई बच्चा इसलिए नहीं उठाएगा कि साहब हमारे कम नंबर आए, कम मेहनत, कम हमारे परसेंटेज आए, हमारे जहाँ सिलेक्शन होना था वो नहीं हो पाया। ये सब बात की बातें हैं और इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण खड़ा हूँ आपके सामने। 85% बच्चे वो होते हैं जो बनना चाहते हैं और नहीं बन पाते। ये मेरे ख्याल से सब लोग सहमत होते हैं कि जब हम अपने पढ़ाई के दौर में होते हैं तो हम जो चाहते हैं कि हमें ये बनना है, 10 या 15% ऐसा होता है कि जो वो चाहते हैं वो बन जाते हैं। तो